ये लोग कोई खतरनाक बीमारी बनाते हैं और फिर उसे ठीक करने के लिए मार्केट में दवाइयाँ बेचते हैं। मैंने ऐसा कई मौकों पर होता देखा है, इसलिए मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने पहले भी कुछ बनाया होगा। अब तो हमें खैर वहीं जाकर पता चलेगा कि वहां पर चल क्या रहा है। राष्ट्रपति का बेटा मनीमन सोचने लगा, इन लोगों के दिमाग की तारीफ तो करनी पड़ेगी। पहले तो खुद ही समस्या को पैदा करते हैं, फिर उसी को ठीक करने की तरकीब भी लेकर आते हैं। इस तरह से तो आम लोग इन्हें अपना मसीहा ही मानेंगे ना। तभी दीपिका को वीडियो में कोई आदमी दिखा, वो जूम करके उसे देखने लगी और कहा, ये आदमी तो देखने में अरमान मलिक जैसा लग रहा है। तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो किसी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। उस कमरे में और भी लोग मौजूद थे। ये देखकर दीपिका चौंक गई और झट से उस वीडियो को हटा दिया। उसे अपने आप पर शर्म भी आ रही थी कि मैं इतने लोगों के सामने ऐसी चीजें कैसे देख सकती हूँ। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो बस उन मासूम लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है जो वहां पर सालों से फंसे हैं। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था, सब चुपचाप खड़े थे। वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए रणबीर ने दीपिका से कहा, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के कामों में ये सब होता रहता है। फिर वो वहां पर खड़े बाकी लोगों की तरफ मुड़ा और कहा, अभी हमारा सबसे मेन मुद्दा ये है कि हमें वहां पर फंसे लोगों को बचाना है, इसलिए सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि तुम सब मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करो। तुम लोगों से दीपिका के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अगर तुम भी उसकी मदद करोगे तो ये काम और जल्दी हो जाएगा। सब रणबीर की बातों से सहमत होकर हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी दीपिका के कंप्यूटर से एक आवाज आने लगी। जैसे ही उसने देखा तो वो चौंक गई और कहा, ये लोग तो सभी जगह फैले हुए हैं, अगर ये लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो उन्हें बचाना और भी आसान हो जाता है, पर ये लोग तो उस सीक्रेट ठिकाने के कोने कोने में फैले हैं, तो उनका मिशन और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से सभी लोगों को जिंदा बचाना शायद मुमकिन नहीं हो सकता। पर तभी रणबीर ने अचानक कहा, दीपिका क्या तुम कल रात की वीडियो चेक कर सकती हो? कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दिन में उन्हें काम करने के लिए अलग अलग जगह ले जाते हों और फिर शायद रात में उन्हें एक जगह बंधक बनाकर रखते हों। दीपिका ने जैसे ही वीडियो चेक किया तो खुशी के मारे तालियां बजाने लगी। उसने रणबीर से कहा, तुम सही कह रहे थे, असल में रात में उन्हें सेकेंड या थर्ड फ्लोर पर रखा जाता है, इसलिए शायद हमारा काम और आसान हो जाएगा। सभी लोग एक साथ बैठकर हमले की तैयारी की चर्चा करने लगे। बातचीत खत्म होने के बाद अमरिंदर ने कहा, ठीक है, हम लोग रात के 2 या 3 बजे उनके ऊपर हमला करेंगे, इस तरह से उन मासूमों के ऊपर भी जान का खतरा नहीं होगा। दीपिका ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैं भी वहां पर सभी वीडियो को बदल दूंगी ताकि आप लोग आसानी से अंदर जा सकते हैं, उन लोगों को लगेगा कि वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है। रणबीर ने कहा, अमरिंदर तुम अपने लोगों और राष्ट्रपति के बेटे के साथ सेकंड फ्लोर पर फंसे लोगों को बचाओगे, तो वहीं दूसरी तरफ मैं और रॉकी अपने लोगों के साथ फोर्थ फ्लोर पर फंसे लोगों को बचाऊंगा। सब लोग उसकी बातों से राजी हो गए। तभी अमरिंदर ने कहा, और जैसे ही वहां से सभी लोग बाहर आ जाएंगे हम उस जगह को बम से पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे ताकि वहां पर किसी का नामो निशान ना रहे। और तो और इससे पहले कि वो और कुछ कहता, अक्षय ने उसे रोक दिया और कहा, मुझे लगता है कि वहां पर बम से हमला करना ठीक नहीं है, वहां पर कुछ जहरीले पदार्थ भी हो सकते हैं जो बम की वजह से पूरे शहर में फैल सकते हैं और उससे बाकी लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए हमें इसके बारे में फिर से सोच विचार करना चाहिए। पर तभी दीपिका ने अक्षय को रोकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, मैंने चेक किया है कि उन्होंने वहां पर ऐसे दरवाजे बना रखे हैं जिससे उस पूरे ठिकाने को संपूर्ण तरीके से लॉक किया जा सकता है, इससे जब हम वहां से लोगों को बाहर निकालेंगे तो आप लोग बिल्डिंग के अंदर बम लगा सकते हैं और फिर मैं बिल्डिंग को बाहर से लॉक कर दूंगी, इस वजह से वहां से कोई भी हानिकारक पदार्थ बाहर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर अक्षय मन ही मन मुस्कुराने लगा और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ मुझे लगता है कि ऐसा किया जा सकता है। तभी रणबीर ने अक्षय से कहा, तुम अपने लोगों को तैयार रखना क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो तुम्हें कुछ और लोगों का इलाज भी करना पड़ेगा। ऐसे तो अक्षय भी उनके साथ जाना चाहता था पर रणबीर ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर अक्षय यहाँ पर रहेगा तो किसी भी परिस्थिति से झेल सकता है, अगर हमारा कोई आदमी बुरी तरह से जख्मी होगा तो उसे अक्षय की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसका खाली रहना बहुत जरूरी है। रात का समय सभी लोग उस ठिकाने के पास पहुंच गए थे। ये फैसला लिया गया कि दीपिका बाहरी किसी गाड़ी के अंदर बैठकर सबके ऊपर ध्यान रखेगी। रणबीर ने उसकी सुरक्षा में अपने लोगों को लगा दिया था और
साथ ही साथ उसके साथ जूली और महेश भी थे। वहीं सुमित को घायलों को अक्षय के पास पहुंचाने का जिम्मा दिया गया था। सुमित अपने साथ बहुत सारे ट्रक्स भी लेकर आया था जिसमें लोगों को भरकर वहां से बाहर ले जाया जा सके। कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में सभी लोग उस ठिकाने पर हमला करने वाले थे। सबने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे और अपनी बंदूकों में साइलेंसर लगाया हुआ था ताकि गोली चलाने पर किसी तरह की आवाज ना हो। लोगों ने ऐसा चश्मा लगाया हुआ था जिससे उनको रात में भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। सब कुछ तैयार होने के बाद दीपिका ने कहा, क्या आप लोग रेडी हैं? सबने एक सुर में कहा यस। अगले ही पल दीपिका ने वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे के वीडियोस को बदल दिया और वहां पर लगे सभी अलार्म्स को बंद कर दिया। अपने कान में लगे एक माइक के माध्यम से सब एक दूसरे से बात कर रहे थे और दीपिका भी उनकी बातें सुन रही थी। जैसे जैसे सब लोग आगे बढ़ रहे थे दीपिका के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी। जैसे ही मेन दरवाजा खुला तो अमरिंदर और उसके लोग वहीं जमीन पर लेट गए और सामने की तरफ देखने लगे। वहीं रणबीर और रॉकी अपने आदमियों के साथ दीवार के पीछे छुपे हुए थे। अब हमले की घड़ी आ गई थी कि दुश्मन सामने नजर आ रहे थे। यहां से पीछे लौटने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर उन्हें जिंदा अपने लोगों के पास वापस जाना है तो अब उन्हें यह जंग किसी भी कीमत पर जीतनी होगी। मन में यही हौसला लिए सब सैनिक जंग के लिए तैयार थे। वहां पर मौजूद उन दरिंदों को तो पता भी नहीं था कि उनके लिए किस तरह का तूफान आ गया है। मेन दरवाजे के पास खड़े गार्ड्स को पता भी नहीं चला कि वहां पर क्या हो रहा है। थोड़ी देर में वो लोग ढेर हो चुके थे। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनके ऊपर गोली कौन चला रहा है। बस कुछ ही मिनटों में सभी गार्ड्स मौत के मुंह में समा चुके थे। जब रॉकी ने देखा कि वहां पर कोई भी जिंदा बचा ही नहीं हुआ था तो उसने सूरज और कुलदीप से कहा, अब तुम्हारे मिशन का समय आ गया है, इसलिए अपने काम पर लग जाओ। दोनों पूरी टीम से अलग होकर फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले गए। उन्हें वहां से अरमान मलिक को जिंदा पकड़ना था। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अरमान वहां पर अकेला नहीं होगा, इसलिए दोनों अपने साथ कुछ सैनिक भी लेकर गए थे। बस 10 मिनट के अंदर ही उन लोगों ने वहां पर सबका सफाया कर दिया था। पूरा फ्लोर धुएं से भर गया था। तभी वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे दीपिका बाहर गाड़ी में बैठकर उनकी हेल्प कर रही थी। वो हर दरवाजे को खोल रही थी और हर अलार्म सिस्टम को ऑफ कर रही थी ताकि बाकी लोगों को पता ना चले कि वहां पर कोई आ चुका है। उनके रास्ते में जो भी आ रहा था वो लोग उनका सफाया कर रहे थे। कुलदीप ने मनी मन कहा, ये आतंकवादियों का जिंदा रहना इस देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए इन्हें मारना ही बेहतर होगा। उस ठिकाने का कंट्रोल रूम 5वें माले पर बना हुआ था। वहां पर मौजूद ऑफिसर्स को पता भी नहीं था कि कोई उनके ठिकाने में घुस आया है, एक एक करके उनके आदमियों को मौत के घाट उतार रहा है। उन्हें तो इस बात का पूरा भरोसा था कि कोई भी हमारे सिस्टम को हैक नहीं कर सकता, पर उन्हें वही दिखाई दे रहा था जो दीपिका उन्हें दिखाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें तो लग रहा था कि वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी पहली टीम दूसरे फ्लोर पर पहुंच गई थी। उन लोगों ने जैसे ही बताया कि हम यहाँ पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे हैं तो दीपिका के बगल में बैठा महेश हाथ उठाकर खुशी से चिल्लाने लगा और कहा, हे, फाइनली हमारा मिशन अब कामयाब होने लगा है। मुझे भरोसा है कि हमारे लोग वहां पर फंसे लोगों को बचा लेंगे। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ ये जान।